अर्थात जके भगवत सेवक बोले जान ताहले अभिमान आतो थाकबे ना। यदि अभिमान कब जाएगा, इसलिए महाप्रभु बोले अगर ये अभिमान को छोड़ना चाहते हो, सचमुच से अगर शुद्ध रूप में हरिनाम करना चाहते हो, चार गुण को अंदर में लाओ, तभी अभिमान तुम्हारे खत्म होगा। तो चार गुण क्या लगने चाहिए? जो पहला गुण है त्रिनादपि सुनिचेना, बोले घास से भी ज़्यादा दीनहीन बनो। जैसे आप चलो, अगर पैर अगर घास पर सर पर पड़ता है ना, उतना नीचा हो जाता है, लेकिन जब पैर उठ जाए फिर घास क्या करता है, सर पर सर देता है। बोले नहीं, उससे भी ज़्यादा दीनहीन बनो। हैं, बोले तरर अभी सही सुनना, बोले पेड़ से भी ज़्यादा सहन शक्ति बननी चाहिए। जैसे रास्ता में जा रहे हैं जेठ में महीना, वहाँ पर देखा कोई बैठने का कोई जगह नहीं पेड़ का नीचे, हमने पेड़ का टहनियाँ कभी कभी तोड़ करके नीचे रख कर के उसके ऊपर बैठ जाते, लेकिन वो ब्रेड ये नहीं कहता तुमने मेरे को क्यों तोड़े, तेरे को हम छाया नहीं किसे बोलता है, वो छाया दे देता है, छाया दे देती है। और जैसे आम का पेड़, आम का सीजन देखा कि पका हुआ आम है या पत्थर और मारे, लेकिन मारा किसको,
पेड़ पर, लेकिन उसने दिया क्या? फल दे, उसने फल हमें दे दिया। कहते हैं कि वृक्ष जैसे हमारी अंदर सहन शक्ति हो। देखो पेड़ से क्या नहीं होता, पत्ते से रसोई बनता है, हैं? और उसका पेट करने से क्या साल कितने टेबल को सारा दुनिया सब बना। इसलिए वृक्ष हर समय दूसरों के उपकार में लगा हुआ है। इसलिए हमारे अंदर में हर समय उपकार की भावना हमारे अंदर में रहनी चाहिए। इसलिए कहते हैं वृक्ष से भी ज़्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। लेकिन और एक बात, तो सब जगह में घास से ज़्यादा दीन ही बनो, पेड़ से ज़्यादा सहन शक्ति सब जगह पर नहीं है। भक्तों के सामने कहाँ पर? गुरु जी के सामने, भक्तों के सामने जो अभक्त है, जो गुरु वैष्णव का निंदा करता है, ठाकुर का निंदा करते हैं, अगर वहाँ बोलोगे हम तो त्रिनादपि सुनिश्चय को पाल देते हैं, यहाँ दीन ही उसको बोलेंगे नहीं, नहीं वहाँ पर आता हूँ। जैसे हनुमान जी क्या किया, रावण ने सीता को उठा करके ले लिया, लेकिन हनुमान ने क्या किया, पूरा लंका ही किया, माता जी को उठा करके लाए, लंका ही चला दी, इतने राक्षस को उसने मार डाले। आप बोलोगे भैया हनुमान जी इतने बड़े भक्त है और उन्हें आग लगा दी और इतने लोगों को मारवा दिया, यही उनकी भक्ति है, यही उनकी भक्ति है। क्यों? जो व्यक्ति भगवान की विरोधी है, अगर कुछ गुरु वैष्णव के बारे में ठाकुर जी के बारे में बोलना, शास्त्र कहता है जीवा काट देना चाहिए, उसको जीवा काट दो। बोले कैसे जीवा काटो? शास्त्र का जुक्ति दे करके इसको जीवा को बंद कर देना चाहिए, उसकी स्तब्धि को कर देनी चाहिए, है? तो तभी तुम्हारी पाप तुम्हारी नष्टी। ठाकुर और गुरु वैष्णव का निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उसको तो क्या होगा, मतलब जो थोड़ी रही से भक्ति है ना, सबके सब खत्म हो खत्म हो जाएगी, हृदय सूखा हो जाएगा, भजन में रुचि नहीं होगी, भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, हृदय तुम्हारी सूख जाएगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं त्रिनादपि सुनिश्चय तरोपि स्फुर अमानिनां मानदनम्, सबको यथा योग्य मान दो, क्योंकि जीवर सम्मान जीव जानी कृष्णा दिशा, क्योंकि हर जीव का हृदय में कौन बैठे? ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। इसलिए सबको यथा योग्य आदर देनी चाहिए, सबको यथा योग्य आदर देनी चाहिए, और कभी भी खुद प्रतिष्ठा की भूखे नहीं रहनी चाहिए, है? हमें सारा दुनिया हमें स्मरण करे, सारा दुनिया हमें याद करे, सारा दुनिया हमारी पूजा करे, ये भावना हमारे अंदर में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन सबको क्या करो, तथा सम्मान प्रदान करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारे अंदर में ये भावना आएगा ना, अगर ये भावना आएगा फिर क्या होगा, भावना आने पर फिर कभी भी अपना अंदर में जो कर्ता अभिमान है, करने वाला मैं हूँ, फिर तो ये बुद्धि हमारी नहीं रहेगी। इसलिए करने कराने वाले कौन है? ठाकुर जी, कौन है? इसलिए यदि ये अगर अभिमान हमारे अंदर में आ जाए तो तखन सानंदे हरिनाम करते पारो, तभी हम बड़े आनंद पूर्वक हरिनाम कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में देखना हरिनाम तो कर लेंगे, अगर थोड़ी बड़ी इधर उधर कोई चीज हो जाए, थोड़ी बड़ी थोड़ी सी पाँच से चूट बड़ा अलग हो गया, देखना खाना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले बाहर ठीक नहीं, मतलब भगवान के लिए हम इतने किया और भगवान ने हमारे साथ यही बात यही किया है। क्यों ऐसी भावना आती है कि अभिमान, करने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ, नहीं करता तो कैसे होता। लेकिन जब हम त्रिनादपि सुनिश्चय हो जाएंगे, वृक्ष से भी ज़्यादा सहन शक्ति हो, घास से भी ज़्यादा दीन हो, हम सोचें भैया हम तो ऑलरेडी दीन हैं, हरिदास ठाकुर पर में 22,000 में पिटाई हो गई, चाप फोड़े पड़े, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये अधम है, अज्ञान ही है, आप इनको माफ़ कर दो। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर वैकुंठ से आ गए, मतलब मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार सब खत्म कर दो, हैं? भगवान वैकुंठ से उतर करके आ गए सुदर्शन चक्र लेकर, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, उनके लिए कल्याण सोच रहे थे, उनके कल्याण सोच रहे थे, प्रभु इनको माफ़ कर दो अज्ञान में। भगवान बोला आया मैंने इनको मारने के लिए, वो उनका कल्याण सोच रहे हैं,
फिर मेरे भक्त अगर किसी कल्याण सोचते हैं फिर मैं कैसे मार सकता हूँ, इतने में ठाकुर जी ने कैसे आलिंगन कर लिया और जितने पिटाई सब के सब ठाकुर जी को, भगवान ने सारी पिटाई को भगवान ग्रहण की है ठाकुर जी ने भी। इसलिए तब भी जब त्रिनाथ अभी सुनिश्चित भाव रहेगा, सबको आदर देंगे, दीन हीन बनेंगे, उस समय में क्या होगा फिर तो बड़े आनंद से हम भजन कर सकते, नहीं तो फिर क्या होगा थोड़ी थोड़ी बात इधर उधर हो जाए ना दिमाग गर्मी हो जाता है, दिमाग में टेंशन आ जाती है ऐसे हुआ ऐसे हुआ है, हम भगवान की भक्ति कैसे करें, भजन में मन भजन में मन नहीं लगता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तभी हम भजन कर सकते ठीक से। दूसरा प्रश्न है जीवर मंगल कखन है, जीव का मंगल सचमुच से कब हो, जीवन में मंगल सचमुच से कब हो है। इसलिए हम जीवन में क्या चाहते हैं, मंगल ही चाहते हैं ना, अमंगल तो कुछ चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारी मंगल हो मंगल है। तो किसने प्रश्न किया प्रभु जीवन में मंगल कब होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तव सत्य कखन ही अमादेर कराय है जखन ही अमरा गुरुपाद पद्म आश्रय करे, गुरु है कृष्ण सेवा के जीवन करी, गुरु है कृष्ण सेवा के जीवन करी। कहते कल्याण पद कब होगा, वास्तव कल्याण तो प्रभुपाद कहते हैं कहते जगत में जो वास्तव जो सत्य है पहले तो उसको समझनी चाहिए, सत्य क्या और असत्य क्या है पहले ये चीज को समझनी चाहिए। वास्तव सत्य मंगल तभी होगा जब हम सत्य वस्तु का आश्रय ग्रहण, अगर हम असत्य वस्तु का आश्रय ग्रहण करेंगे मंगल की जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जिस पर आश्रय लिया है वो असत्य है, वो असत्य है, पर सत्य कैसे हो सकता है, पर सत्य वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या उसमें तीन शब्द आया है बोले अथ अतः और ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अतः मतलब क्या है, अतः मतलब होता है, अतः मतलब होता है हम जीवन में सबके सब सुखी चाहते हैं। अब बताओ जीवन में कौन दुख चाहता है, कोई चाहता है दुख आए, कोई दुख पर निमंत्रण देता है हमारे घर में दुख आओ, लेकिन वो बिना निमंत्रण का आता है, आता ही नहीं बिना निमंत्रण का आता है ना, लेकिन कोई चाहता है नहीं लेकिन मगर निमंत्रण को आता है। इसलिए फिर अतः मतलब होता है जीवन में हम सुख चाहते हैं लेकिन जहाँ चाहनी चाहिए वहाँ पर नहीं चाहकर गलत वस्तु पर चाहते, अतः अतः मतलब होता है जहाँ पर तुमको ये सुख ढूंढनी चाहिए तुम वहाँ नहीं ढूंढ रहे हो, नहीं ढूंढ कर कहाँ ढूंढ रहे हो वो गलत जगह पर क्यों ढूंढ रहे हो। कल हम बता रहे थे ना कोई एक माता जी रास्ता में कोई चीज़ को ढूंढ रहे थे, एक व्यक्ति ने देखा माता जी तो उन्होंने एक घंटा के बाद में आकर के देखा वो माता जी फिर वहीं पर ढूंढ रही थी, तो उसने कहा माता जी तुम क्या ढूंढ रहे हो एक घंटे से, बोले बेटा मेरा कोई सुई खो गया, बोले सुई को एक घंटा से ढूंढ रहे, बोले हाँ, बोले ये बताओ सुई खोई कहाँ पर, बोले घर के अंदर, बोले खोया तो घर के अंदर पर रोड में ढूंढ रहे, अरे जहाँ खोया वहीं पर ढूंढो तब तो वो मिलेगा ना है। इसलिए उसी तरह हम सुख कहाँ चाह रहे हैं, बोले दुनिया, ये संसार में हम सुख को ये दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं है? जो अनित्य वस्तु अनित्य असार है, कहते ना दुखालयम असाशत्वम, संसार दुख का घर है और संसार क्या असाशत्वम, एक दिन सब नष्ट होने वाले खत्म होने वाले, जो स्वयं खत्म होने वाले अनित्य है भैया वो तुमको नित्य शांति कैसे दे सकते, दे नहीं सकता, कौन दे सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म ब्रह्म मतलब जो बड़ा है वो तुम्हें बड़ा दे सकता है, जो आनंद स्वरूप वो तुम्हें आनंद दे सकता है, जो प्रेम स्वरूप वो तुम्हें प्रेम दे सकता है, हैं? इसलिए वो कहाँ पर है, मुझे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले अशोक भय अमृत तुम्हारा चरण कहते हैं अशोक या शोक नहीं, अभय या डर नहीं, अमृत कहाँ धातु की चरण में,
ठाकुर जी के चरण में जी, इसलिए कहते ताहाते एकान विश्राम लभी अछानी भवर। जब हम ठाकुर के चरणों का आश्रय ले लेते हैं ना, सारा दुनिया का डर खत्म, डर भय खत्म है। जब ठाकुर की शरण में हम जाएंगे हैं, जैसे देखो विभीषण ने प्रभु राम की शरण में आ गए, राम की शरण में आते ही भगवान क्या तो तिलक लगा दिया, बोले लंकेश आज से तू लंका का राजा हो। बोले लंकेश, लंकेश तो रावण है, हैं रावण है, लंकेश थोड़ी मैं हूँ। बोले जब तुमको उसने ठुकरा दिया उसका खत्म हो गया लंकेश, आज से तुम लंकेश, आज से तुम लंकेश हो। सचमुच से उन्होंने भगवान ने रावण को मारे और लंका का राज्य दिया। जब सुग्रीव भगवान की शरण में आया, राम की शरण में, बाली कितना प्रतापी, इतने बाली प्रतापी, उसके बराबर रावण को उन्होंने बगल में दबा करके 6 महीना तक रखा है। जिस समय बाली को तर्पण कर रहा था पानी में, रावण दिग्विजय करने के लिए निकला और जा करके पानी को घोला कर रहा था, इतने में बाली ने देखा पानी को घोला कौन कर रहे हैं, देखा ही रावण है और उन्हें उसको इसे पकड़ा और बगल में दबा दिया और उन्होंने 6 महीना तक तर्पण करते रहा। उसने भूल गया मेरे बगल में किसको दबा कर रहे, लेकिन जब उसने वो चिट्ठी जैसे काटने लग गया, बोलिए चिट्ठी कहाँ से काट रहा है, वो ऐसे हाथ गया तो गिरा तो भगा वहाँ से रहा, कभी मोड़ करके नहीं देखा है। इतना बलवान खाली, इतने बलवान है, इसलिए सुग्रीव भगवान राम को कह रहे हैं इतने ताकत, एक बाण से 7 ताल पेड़ को उसका बाण में इतनी शक्ति थी पार कर लेता था। उसको सामने जो आएगा युद्ध करने के लिए उसको आधा शक्ति उसको मिल जाएगी, इतने पराक्रम था। लेकिन भगवान की शरण में भीषण आए, सुग्रीव आया, भगवान ने क्या किया, ऐसे बाली को भी समाप्त कर दिया और उन्होंने पहले ही उनको बोल दिया था आज से तुम इस युद्ध का राजा दो होगा, तुमसे राजा ही बना। इसलिए प्रभु की शरण में आने पर जो असंभव वस्तु है वो सब के सब संभव हो जाते हैं जब हम ठाकुर की शरण में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए वास्तव सत्य तखन ही आमंत्र कराए तो है, कब ये चीज को वास्तव सत्य को हम कब समझ पाएंगे, तब प्रभुपाद कहते हैं तभी समझ पाएंगे जब हम श्री गुरु जी की शरण में। इसलिए गुरु जी का नाम गुरु है, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरर्थक, गु मतलब होता है अंधकार ये, रु मतलब होता है आलोक, जो हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा करके हमें जो दिव्य आलोक प्रदान करे वो गुरु है। इसलिए बताए गुरु मुख श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सत्म बंदमी सावधान मत, बोले चक्षु दान दिला जयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बोले चक्षु दान दिला, हमें वो चक्षु प्रदान करते हैं। बोले गुरुदेव क्या चक्षु, पहले तो हमारे आँख हैं, दो आँख हैं, तो गुरुदेव हमें क्या आँख दिया, पहले तो हमारी आँख है ही है, दो दो आँख कहाँ से हैं, कहाँ ठाकुर गुरु जी क्या दिया। बोले गुरु जी ने आँख तो पहले थी, लेकिन वास्तव और जो अवास्तव है, सत्य किया और झूठा किया है, किसकी कृपा से होता है, लेकिन ना बिनु गुरु भवन भी तरह ना कोई। इसलिए गुरु जी की कृपा से हमें सत्य असत्य का जो ज्ञान है वो गुरु जी की कृपा से ही होता है, गुरु जी के आशीर्वाद से ही होता है। देखो एक छोटी स्टोरी सुनिए, मतलब एक समय कोई एक शिष्य गुरु जी को पास में रोज आता था, गुरुदेव कथा सुनाते थे, बोले बेटा भगवान की भक्ति क्या करो, भजन क्या करो, और ये झूठे संसार में जाता आसक्ति मत रख करना, ये संसार सत्य से झूठा है, जगत में कोई किसका है नहीं। शिष्य को बड़ा कष्ट होता है, मतलब गुरुदेव कहते दुनिया में कोई किसका नहीं, जगत झूठा है, भगवान की भक्ति करो। बोले गुरुदेव आप तो घर गृहस्थी किया नहीं, आपको क्या पता संसार झूठा है, आपको बताए जब तक मैं घर में नहीं आता मेरी बीवी भोजन नहीं करती, बच्चे खाना नहीं खाते, पिता माता से देखते रहते बेटा कब आए हैं, आप कहते आप तो घर गृहस्थी किया नहीं, आप कहते जगत में सब झूठा है, हाँ झूठा। तो गुरु जी ने कहा देखोगे बेटा तुमने दिखा दो सही बात। बोले गुरुदेव क्या दिखा, बोले देख बेटा तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूँ, ये मंत्र पढ़ते ही तुम्हारे शरीर छूट जाएगा,
लेकिन मरोगे नहीं, लगेगा ऐसे श्वास तुम्हारी बंद होगी, नाड़ी बंद होगी, लेकिन कौन क्या बोलता है ना तुम सुन पाओगे, हैं सुन पाओगे सबके सब। और एक काम करना, घर में जो वापस जाकर बोल देना मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, अगर शरीर में कोई इधर उधर हो तो थोड़ी सी गुरु जी को याद करा, हाँ शरीर अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये मंत्र को पढ़ते शरीर छूट जाएगा, लेकिन ऐसी जगह पर गिरना है ना तो पिलर को बीच में हाथ पैर को फैला फैला कर, जब तक वो पिलर काटे नहीं तब तो शरीर नहीं गिरे, ऐसी जगह पर गिरना। बोले ठीक है गुरुजी। तब गुरु जी ने मंत्र दे दिया, तब उन्होंने घर में आए, घर में आ कर के ना इतने में बोलने लग गए, मेरा आज तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अंदर से कर रहा है, लगता मैं मर जाऊँगा, पूरा परिवार इकट्ठे हो गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया, रोना धोना शुरू हो गई है, क्या हो गई। इतने में उन्होंने क्या किया, मंत्र को उन्होंने पढ़े, और मंत्र पढ़ करके ना दोनों पिलर के बीच में उन्होंने ध्यान करके गिर पड़े, बोले कुछ हो तो गुरु जी को याद कर देंगे, वास नारी पर श्वास पर। इतने में सब रोना धोना होने लग गया, पत्नी बोली मैं क्यों नहीं मर गई, अगर ये रहता तो परिवार को देख लेता। पिता माता बोले हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हैं बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हम मर जाते तो कोई बात नहीं, मरने वाला तो है ही, अगर बच्चा रहता तो संसार को पाल लेता। बच्चों ने बोले हमने क्यों नहीं मर गए, पिता माता रहते तो पिताजी रहते तो घर को देखभाल कर लेते, संभाल लेते, सब बूढ़ा बूढ़ी। इतने में नाक में रुई लगा कर देगा श्वास पर, नाड़ी पर, वो बोल कर गया था गुरु जी को याद कराना, आते आते गुरु जी को पास में गए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया, बोले अभी तो गया आश्रम से, बोले हाँ गुरुदेव आश्रम में तो सही से आया, बोले तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, इसे जल्दी जल्दी आओ, हमने बोला गुरु जी को याद करवाना। गुरु जी जैसे कुछ पता नहीं, गुरुदेव आए और नाड़ी पकड़े, श्वास में देखा पूरा बंद खत्म, बोले तो मर ही गया, तो मर गया। बोले देखो ये मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है, नहीं उपाय है, गुरुदेव मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, बोले हाँ। बोले गुरुदेव जो बोलोगे हम शो करने के लिए तैयार, आप बोलो क्या करना पड़ेगा, बोले छोटी सी काम है, बोले क्या है, बोले इसको इसको प्राण देना पड़ेगा, प्राण का विनिमय में प्राण बच सकता है, जो देगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, इसलिए इसको प्राण देना पड़ेगा। जब इसी बात गुरुदेव बोले तो रोना धोना बंद, जो प्राण देने का समय आ गया ना, कौन प्राण देगा, प्राण देने मर जिंदा होगा ना, प्राण देकर तब कौन मरना चाहते, कोरोना आया तो सबके सब घर में बंद हो गए थे, क्यों हम मरना नहीं चाहते, बोले प्राण देना पड़ेगा, सबके सब तो कांप उठे, सब चुप हो गए। इतने में गुरु जी पहले उसको पिता माता को बोले, बोले तुम तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, दो दिन बाद मरने वाले हो, अभी तो बोल रहे थे बच्चा अगर जिंदा रहा तो पाल लेता, बूढ़ा बूढ़ी क्यों नहीं मरे, तुम प्राण दे दो। बोले गुरुदेव और एक दो साल जिंदा रहेंगे, अच्छा बुरा अच्छा बुरा देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, हैं इसलिए बेटा मर गया तो छोड़ ही दो, हैं मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा रहता है, जिंदा होता है, इसलिए गुरुदेव जरूरत नहीं, बेटा मर गया तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। बोला अभी अभी बोल रहे थे हम दो चार साल जिंदा रहने वाले, बोला मर गया तो मर गया छोड़ जला दो। इतने में पत्नी से बोले, बोले तुम अपना प्राण दे दो, मैं पिता माता का एक बेटी में हूँ, हैं पिता माता मेरे बगैर रह नहीं सकते हैं, अभी तो हम थोड़ी बूढ़ी हो गई, अभी तो हम जवानी हैं, अभी बहुत कुछ देखना, हाँ घूमना फिरना, अभी हम कैसे प्राण दे, बोले हम नहीं मर सकते, मर गया छोड़ो जला दो। बच्चों से बोले, बच्चे बोले अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, शादी शुदा करेंगे, दुनिया देखना है, अब तो दुनिया देखा ही नहीं, कहते मर जाओ हम नहीं दे सकते, उनको जला दो जाओ। लेकिन वो हाथ पैर फैला करके पड़े हुए, बोले देखो ये पिलर काटना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, बोले पिलर क्यों काटोगे, ये तो मर गया गया, पिलर क्यों काटोगे, इनका हाथ पैर काट करके शरीर निकाल दो। उसने गई और इतना बड़ा तलवार लिया है, बोले काट कर निकाल दो, वो तो मरा नहीं तब जिंदा था ना, तो सब सुन रहा है, बोले भगवान मैं तो मरा ही नहीं, फिर तुम्हारे हाथ पैर काटने के लिए आए हैं, सचमुच से काट नहीं दे। इतने में गुरु जी ने कहा देखो ये काम करो, तुम लोग कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं, बोले नहीं, बोले अगर मैं दे दूं प्राण तो, बोले गुरुदेव बहुत अच्छी बात है, आप ही गुरुदेव आप ही मर जाओ, आपका तो बीवी बच्चे पे ही है ही नहीं पीछे है, इसलिए आप ही मर जाओ। गुरुदेव बोले ठीक है मैं शरीर त्याग दे देता हूँ।
तब उन्होंने उसको छाती पर हाथ रखो तो मरा नहीं था ना, जिंदा था। जब उन्होंने उसको छाती के ऊपर हाथ रखा ना पर दो बार जिंदा हो गया, तो जिंदा हो गया। गुरु जी चल पड़े, शिष्य भी उसको पीछे पीछे चल पड़े। बोले उनको बच्चे परिवार करे, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तब उन्होंने बोले पहले मेरे अंदर में बड़ा भ्रम था कि दुनिया मेरे को बड़े प्रेम करते, आज मैंने सबकी बात सुन लिया है कौन कितना प्रेम करता नहीं करता। भैया जिसने प्राण दिया उसको साथ में जा रहा होगा भजन के लिए चलते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये वास्तव मंगल कब होगा, बोले मंगल तभी होगा जब हम गुरु जी की शरण में जाएंगे। गुरु जी हमें क्या करते हैं, जो सत्य और असत्य है वो चीज़ को हमें दिखाते हैं। सत्य क्या है, बोले प्रभु का चरण। बोले असत्य क्या है, बोले संसार है। संसार असत्य है, क्षण भंगुर तिथि संसार नश्वर होने वाला। लेकिन जिसका भक्ति के भक्त का परिवार हो, जिनके परिवार भजन करते हैं, बेटा बेटी सब सबके भक्ति कर रहे हैं, तो वो सही है, वो सही है। क्योंकि जिस तरह घर में भगवान की सेवा पूजा भक्ति हो वो घर ही वृंदावन, वही वृंदावन धाम। अगर घर में भक्ति पूजा नहीं, केवल कमाओ खाओ मर जाओ जानवर जैसे, कहते भैया वो तो सूखा कुआ है, वो सूखा कुआ, वो पानी वाला कुआ नहीं है, सूखा कुआ है, गृहांत कुपम और गृह रूप अंत कुआ है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं उनको पालन करना मतलब है जैसे सांप को दूध और केला खिला, जिसे दूध का आप सांप केला खिला दो पहले वही तुमको काटेगा, वही तुमको काटेगा। उसी संसार संसार है, जिस संसार में सबके सब भगवान की भक्ति करे भजन करे वही भगवान की धाम, वही वृंदावन है। इसलिए सब कुछ करो लेकिन भगवान का ध्यान करके, सब कुछ भगवान ने दिया उसकी सेवा की वस्तु है, हर चीज जब उसकी सेवा में लगे तभी ये संसार धन्य है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं आश्रय करे गुरु, गुरु भाई कृष्ण सेवा के जीवन करे। इसलिए जब गुरु जी की शरण में आते हैं फिर क्या करना पड़ता है, गुरु जी की शरण में आ करके गुरु जी की हो करके हमें भगवान की सेवा करना पड़ता है। गुरु जी के अनुगत में जब भगवत सेवा करते हैं तब क्या होगा, जीव का वास्तव मंगल, तभी हमारे जीवन के कल्याण होगा। ठीक है, निताय गौर ब्रह्मानंद दे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि ओम 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 हरि ओम